नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। सितारगंज राष्ट्रीय जन चेतना मंच ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित कर वर्षों से रह रहे भूमि पर भूमि अधिकारी देने की मांग पर पुरजोर तरीके से उठाई है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जन चेतना मंच के अध्यक्ष विशन दत्त जोशी अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज बुलंद करते हुए बताया कि इस बार राष्ट्रीय जन चेतना मंच ने एक आंदोलन अपने बच्चों के लिए आंदोलन की शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिस भूमि पर लोग बरसों से घर बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उनको सरकार मालिकाना हक दे, मगर सरकार अभी मालिकाना हक नहीं दे रही है, तो एक व्यापक सर्वे कराकर दस्तावेज में कब्जा दर्ज कराएं। वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 बिंदुओं पर राष्ट्रीय जन चेतना मंच ने एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी की है। विगत दिनों जो है, कुछ समय पहले खटीमा में जो है, फुलैया में एक कांड हुआ था, उसके अलावा और भी खटीमा क्षेत्र में कांड हुए थे, वैसा ही षड्यंत्र जो है सितारगंज क्षेत्र में भी भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ और भूमाफियाओं को चेतावनी देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जन चेतना मंच ऐसे किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगा, और हम ये मांग कर रहे हैं और दोबारा मतलब इस आंदोलन को हम मुकाम तक ले जाएंगे कि जो जिस तरीके की जमीन पर काबिज है, उन्हें ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भूमिधरी का अधिकार दे, और जब तक वो भूमिधरी का अधिकार नहीं देती है तो एक व्यापक सर्वे कराकर कम से कम जो है खेतवार गांववार सर्वे कराया जाए, और इन लोगों के नाम जो कि वास्तव में जो उस पर फसल बो रहे हैं या रह रहे हैं, उनके नाम खसरे में दर्ज किए जाएँ। इससे इस समस्या का काफ़ी हद तक जो है राहत मिलेगी। 1,00,000 स्थानीय नागरिकों के, सितारगंज, नानकपुरा एवं खटीमा क्षेत्र के नागरिकों के हस्ताक्षर करा के अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भेजेंगे, और कम से कम जो है 100 स्थानों पर हम इस आंदोलन के समर्थन में जन जागरण सभाएं करेंगे, और उसके पश्चात भी अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, कुछ स्थानीय लोगों को राहत नहीं देती है, तो हम अनशन, आमरण अनशन, कुछ भी है, जो भी होगा वो हम करेंगे। हम डटे रहेंगे, हर हाल में अपना जो है भूमिधरी अधिकार ले